स्क्वायर थ्री स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर। क्या ठीक है अहमद ये? यस सर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? क्या आएगा आंसर इसने? आप बोलो स्नेहा। 9 माइनस 4। 9 माइनस 4। क्या अहमद ठीक करी है ये? यस सर। 9 माइनस 4 क्या होता है हमारा? 5। 5। यहाँ पर 3 का स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या हुआ? 3 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 इंटू डॉट को डॉट मतलब डेसिमल मत समझना, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है। 3 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 2 तो ये हमारा क्या हो जाता? 3 3 जो हमें पता है 9 होता है। 2 इंटू 2 कितना होगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू 5। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। अब ये तो था हमारा नॉर्मल जो रेशनल नंबर्स थे उनका मल्टीप्लिकेशन था। ठीक है, अब यहीं पर हम लोग क्या ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हमारे इरेशनल नंबर्स हो। जैसे कि यही सेम नंबर्स ले लेते हैं, √3 + 2। √3 - 2। अब बताओ स्नेहा अब क्या होगा? √3² -2² बताओ अहमद, सही है गलत है? सर सही है। ठीक है ना विश्वास? विश्वास ठीक है गलत है? लगता है कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया उसका। रूट थ्री स्क्वायर का मतलब स्नेहा, रूट थ्री को कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम? 2 बार। 2 टाइम्स। ठीक है अहमद? यस सर। √3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। ऐसे ही -2 का मतलब क्या है? -2 का स्क्वायर का मतलब क्या है? 2 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? 2 टाइम्स। 2 बार। तो √3। अब देखो √3 क्या है? हमारा इरेशनल नंबर है। अब रूट में अगर हमारे अंदर के डिजिट्स सेम हो, मतलब रूट के अंदर जो भी वैल्यू है वो सेम हो, जैसे कि यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 है, तो दोनों केसेस में सेम है। तो अगर ऐसा कोई भी केस होता है जिसमें हमारे रूट के अंदर दोनों वैल्यू सेम हो, तो अगर उनका मल्टीप्लीकेशन होगा तो रूट के अंदर जो वैल्यू होती है वो बस बाहर आ जाती है विदाउट रूट। इसका मतलब हमारे पास रूट के अंदर 3 है, दोनों वैल्यू सेम है, अगर हम √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 बाहर आ जाएगा विदाउट रूट। ठीक है, 3 - 2 × 2 कितना होता है? 4। 3 - 4 कितना हो जाएगा हमारा? -1। हाँ -1। ठीक है विश्वास? यस सर। क्या बताया था? अगर रूट के अंदर हमारी वैल्यूज सेम हो, न्यूमेरिक डिजिट जो है वो सेम है, और अगर वो 2 ही बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसमें से क्या होगा, वो रूट के अंदर की जो भी वैल्यू है वो विदाउट रूट बाहर आ जाएगी। यहाँ पर रूट के अंदर 3 था दोनों जगह, तो हमारा सिर्फ और सिर्फ 3 बाहर आ गया विदाउट रूट। ठीक है, ये बात क्लियर है स्नेहा? यस सर। क्लियर है अहमद? यस सर। तो ये तो हुआ √3 का मल्टीप्लाई।
अब देखो, अब सिर्फ रूट के बारे में बात करेंगे। अभी क्या बताया, सिर्फ ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बताया था। अब देखो, हम लोग किसी भी कोई भी अगर हमारे पास दो मल्टीप्लिकेशन लिखे हुए हैं तो उनको देखकर हम कैसे बता सकते हैं कि इसमें a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है कि नहीं लग रहा। कैसे पता लगेगा? यहाँ पर a मान लिया हमने रूट थ्री को, प्लस का साइन है, b मान लिया टू को। अगर हमारे पास दूसरे ब्रैकेट में भी a और b की जगह वही सेम वैल्यू है तो हमारा फॉर्मूला लगेगा, वरना नहीं लगेगा ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ए की जगह रूट थ्री है मान लिया और बी की जगह टू है, तो अगर दूसरे में भी हमारे पास ए की जगह रूट थ्री मिल जाए और बी की जगह क्या मिल जाए, टू मिल जाए, वो भी प्लस की जगह यहाँ पर माइनस का साइन हो, तो हमारा ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल है। ठीक है, अगर ये ऐसे होता रूट थ्री प्लस टू मल्टीप्लाई बाई रूट फाइव माइनस थ्री, तो इसमें हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? मान लो ये हमने a मान लिया और ये b मान लिया, तो क्या हमारा इसमें a है? a था हमारा रूट थ्री तो यहाँ पर तो रूट फाइव है, और b था हमारा टू यहाँ पर थ्री है। तो भले ही इसमें यहाँ पर प्लस और माइनस के साइन थे, बट इसमें a प्लस बी a माइनस बी वाला नहीं लगेगा। इसमें कौन सा लगेगा? a प्लस बी इंटू बी माइनस सी। यस सर। ठीक है, a प्लस बी a माइनस बी के लिए लगने के लिए a और b की वैल्यू दोनों मल्टीप्लिकेशन में सेम होनी चाहिए, जैसे कि इस केस में थी। जैसे कि इस केस में थी, यहाँ पर a की जगह था थ्री, b की जगह था टू, तो थ्री प्लस टू इंटू ए की जगह था थ्री, बी की जगह था टू और माइनस का साइन था, तो ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, इसने यहाँ फॉर्मूला कहाँ लगेगा, ये बात क्लियर हुई नहीं हुई? यस सर। अहमद क्लियर है? यस सर। विश्वास क्लियर है? यस सर। ओके, अब देखो, अब सिर्फ बात करेंगे इरेशनल नंबर्स के बारे में। मान लो हमारे पास रूट थ्री है, इसकी पावर हमें थ्री दे रखी है। कितना दे रखी है? थ्री दे रखी है। तो इसका मतलब हुआ रूट थ्री को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो लिख लेते हैं, एक्सपेंड करके क्लियर से देखते हैं। रूट थ्री मल्टीप्लाइड बाई रूट थ्री मल्टीप्लाइड बाई रूट थ्री। ठीक है, अब जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा था कि अगर रूट थ्री का मतलब रूट के अंदर कोई भी सेम वैल्यू है और उनका दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो वैल्यू बाहर निकल आती है विदाउट रूट। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये सारी वैल्यू सेम है पर कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? तीन बार मल्टीप्लाई हो रहा है। और हमने क्या सीखा है, सिर्फ अगर दो ही बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो बाहर निकलेगी। तो एक रूट थ्री का दूसरे रूट थ्री से मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ पर हमारा रूट हटके थ्री बाहर निकल गया, वो थ्री लिख दिया हमने इधर, और ये हमारा अकेला रूट थ्री बचा, तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा? थ्री रूट थ्री। ठीक है, यही अगर हमारे पास रूट थ्री की पावर कितनी दे रखी होती? फोर दे रखी होती। तो फोर दे रखी है तो इसका मतलब क्या होगा, कितनी बार मल्टीप्लाई होगा रूट थ्री का? फोर बार, फोर टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। ठीक है अहमद। अहमद वॉइस आ रही है मेरी? यस सर। ठीक, तो अब जब इसका मल्टीप्लाई कितनी बार हो रहा है? फोर टाइम्स हो रहा है रूट थ्री का। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको? अब वही सेम केस होगा, रूट थ्री का मल्टीप्लाई रूट थ्री से हुआ। अगर रूट में कोई भी सेम वैल्यू है और अगर उनका दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो एक डिजिट बाहर निकल आएगा, मतलब यहाँ से कितना मिला हमें? थ्री मिल गया। ठीक है, और यहाँ से कितना मिल गया? यहाँ से भी एक थ्री मिल जाएगा, और बीच में क्या था, ये भी मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो थ्री इंटू थ्री हो जाएगा। तो थ्री इंटू थ्री कितना होता है? नाइन होता है। क्या सेम डिजिट के मल्टीप्लिकेशन क्लियर हुए रूट में सभी को? यस। ठीक है, अब सिर्फ अभी सेम डिजिट का किया है, करते हैं डिफरेंट डिजिट्स का। मान लो रूट थ्री इंटू रूट फाइव लिखा हुआ है,
रूट थ्री मल्टीप्लाइड बाई रूट फाइव, ठीक है। अब इस केस में अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमारा रूट के अंदर सेम डिजिट हो तो हमारा रूट हट जाता है और वो डिजिट बाहर आ जाता है। बट इस केस में क्या है, हमारे रूट अलग अलग, रूट के अंदर जो नंबर्स हैं वो डिफरेंट हैं। तो हम क्या करते हैं, रूट को तो लगा रहता है हमारा और दोनों को अंदर ले जाते हैं। तो दोनों को अंदर ले आएंगे तो 3 × 5 हो जाएगा। तो 3 × 5 कितना होता है हमारा, 15। यहाँ पर हमारा रूट का साइन क्यों नहीं हटा, क्योंकि जो रूट के अंदर वैल्यूज थी वो हमारी क्या थी, डिफरेंट थी। डिफरेंट वाले केस में अंदर ही अंदर मल्टीप्लाई होता है, रूट नहीं हटता हमारा। क्लियर है? यस सर। अब बताओ मुझे आंसर, रूट 7 × √11 क्या होगा इसका आंसर? बताओ स्नेहा, फिर अहमद बताएगा, फिर विश्वास बताएगा। सर रूट 70 नहीं, हाँ रूट 77। बताओ अहमद। रूट 77। विश्वास? रूट 77। ठीक है, रूट क्यों नहीं हटा, क्योंकि रूट के अंदर जो नंबर्स थे वो डिफरेंट थे, इसलिए रूट भी लगाएंगे और अंदर क्या होगा, मल्टीप्लाई भी हो जाएगा 77। ऐसी एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी सबसे पहले, वो आइडेंटिटी क्या थी, अंडर रूट ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए और बी क्या है, कोई भी दो नंबर्स हैं, ठीक है, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, ठीक है, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? Yes, sir. ये हमारी आइडेंटिटी है। तो इसका रिवर्स भी पॉसिबल है, मतलब अगर रूट ए इंटू रूट बी लिखा हुआ है तो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, रूट ए इंटू बी। तो हम लोग यहाँ पर यही तो कर रहे हैं, रूट 7 × √11 लिखा हुआ है, तो ये क्या कर रहे थे हम लोग, हम लोग कर रहे थे अंडर रूट में 7 × 11, यही तो कर रहे हैं हम लोग। तो उसको अलग अलग ना लिख के हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, क्या लिख दे रहे हैं, अंडर रूट 77। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन वाली बात क्लियर हुई दोनों की? यस सर। अब देखो एडिशन कैसे करते हैं, 2√3 प्लस अंडर रूट 5 प्लस रूट 3 प्लस 3√5। अब इसमें हम एडिशन कैसे करेंगे, इसमें हम एडिशन ऐसे करेंगे, रूट के अंदर जो जो वैल्यूज सेम है उन सिर्फ उन्हीं वैल्यूज का एडिशन होगा साथ में। तो इस केस में हमारे पास क्या है, इस केस में हमारे पास एक तो रूट के अंदर क्या वैल्यू है, 3 है, और दूसरी वैल्यू क्या है, 5 है। तो जहां जहां हमारे पास रूट के अंदर 3 होगा उनको ऐड करेंगे, और या फिर सब्ट्रैक्शन का साइन होगा तो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास सभी में एडिशन हो रहा है। तो रूट 3 के अंदर एक तो वैल्यू ये है, और एक और रूट 3 कौन सा हमारे पास, एक ये है, ठीक है, यही दो रूट 3 है। तो इनका क्या होगा, हम एडिशन कर देंगे, ठीक है, क्या एडिशन करेंगे, इस वाले रूट 3 का इसके साथ एडिशन करेंगे। तो यहाँ पर कितना है, ये है 2√3, कितना, 2√3 में अगर रूट 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 2 × 3 बेटा, मल्टीप्लाई थोड़ी चल रहा है, 2 × 3 2√3 2√3 तो यहीं पर लिखा हुआ अकेला, तो इसका तो मतलब ये तो ऐड ही नहीं हुआ, 2√6 2√6 कैसे बोल रहे हो, मल्टीप्लाई थोड़ी हो रहा है इसने, जो 3 × 3 = 9 एडिशन पर आ गए हम लोग, मल्टीप्लिकेशन हमारा यहाँ पर खत्म हो गया। देखो यहाँ पर 2 क्या है,
टू रूट थ्री है, रूट थ्री कितनी बार है, टू बार है भाई। टू रूट थ्री का मतलब क्या हुआ, रूट थ्री प्लस रूट थ्री, दो बार रूट थ्री को जोड़ूंगा तो टू रूट थ्री ही तो आएगा। वन प्लस वन कितना होता है, टू ही तो होता है, तो ये क्या हो गया, टू रूट थ्री हो गया, हो गया नहीं हो गया। ऐसे ही यहाँ पर टू रूट थ्री है और इसके साथ कितना जोड़ रहा है, प्लस का रूट थ्री, मतलब वन रूट थ्री जोड़ रहा है, तो टू प्लस वन कितना हो जाएगा, थ्री। थ्री और अंडर रूट में क्या था, रूट थ्री वाला था अपना, ठीक है विश्वास। यस सर। अब देखो रूट थ्री वाला हो गया, सारी वैल्यूज हमारी रूट थ्री की, दो ही वैल्यूज थी हमारे पास। अब देखेंगे हमारे पास रूट फाइव में क्या क्या है, तो रूट फाइव एक तो ये रहा हमारे पास, दूसरा कहाँ है, दूसरा ये है थ्री रूट फाइव, तो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो दोनों ऐड होंगे, तो थ्री रूट फाइव ये रहा और एक रूट फाइव ये रहा, तो कितने रूट फाइव हो जाएंगे विश्वास, विश्वास बताओ। यस सर। कितने हो जाएंगे, सो क्या रूट थ्री रूट फाइव प्लस थ्री रूट फाइव कितना हो जाएगा सर, रूट फाइव सर, रूट फाइव प्लस थ्री रूट फाइव कितना होगा, सर थ्री थ्री रूट फाइव, थ्री रूट फाइव तो अकेला यही है, इसका मतलब ये तो तुमने ऐड ही नहीं किया इसमें। रूट फाइव बिल्कुल ठीक है, मत फोर रूट फाइव कितना हो जाएगा, फोर रूट फाइव, क्योंकि थ्री रूट फाइव तो ये रहा, इसमें वन रूट फाइव और ऐड जाएगा, तो थ्री प्लस वन कितना होता है, फोर रूट फाइव। समझ में नहीं आया, ये समझ में आ गया था थ्री रूट थ्री, थ्री रूट थ्री समझ में आया था यस सर, ये तो आ गया था। तो ये बताओ जब थ्री रूट थ्री समझ में आ गया तो इसमें भी तो वही किया है, इसमें क्या अलग किया है, ठीक से देखो जरा, इसमें कुछ अलग किया है क्या मैंने, थ्री रूट फाइव है तुम्हारे पास और ये रूट फाइव है, थ्री प्लस वन कितना होता है, यहाँ पर वन यहाँ पर थ्री, थ्री प्लस वन फोर और रूट के अंदर सेम वैल्यू आएगी रूट फाइव, तो फोर रूट फाइव हो गया। यस सर। ऐसा क्या था इसमें जो नहीं आया, अब तुम लोग मेरे को बताना। सिक्स रूट इलेवन प्लस थ्री रूट थ्री माइनस टू रूट इलेवन माइनस रूट थ्री प्लस फाइव रूट थ्री प्लस फोर रूट इलेवन, बताओ इसने क्या होगा इसका आंसर, बाकी सभी लोग भी देख लें आंसर बताना एक एक करके सभी को। रूट इलेवन कहाँ पर है, एक यहाँ पर है हमारे पास, दूसरा ये है और तीसरा ये है, तो रूट इलेवन के साथ साथ जो भी डिजिट्स हैं उनमें एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे जो भी हो रहा है। तो देखो सिक्स रूट इलेवन ये किसका है, हमारा प्लस का है, प्लस का सिक्स रूट इलेवन में से माइनस टू रूट इलेवन होंगे, तो कितना बचेगा, सिक्स रूट इलेवन माइनस टू रूट इलेवन कितना बचेगा,
सर फोर रूट इलेवन. फोर रूट इलेवन ठीक है. फिर ये एक और रूट इलेवन में है, ये क्या है प्लस का फोर रूट इलेवन. तो फोर रूट इलेवन प्लस फोर रूट इलेवन कितना हो जाएगा सर एट रूट इलेवन. विश्वास समझ में आई ये बात या नहीं? यस सर. ठीक. अब सेकंड थिंग क्या देखेंगे हम लोग कि हमारे पास दूसरा क्या नंबर दे रखा है, तो वो भी चेक करते हैं. रूट थ्री दे रखा है दूसरा, तो रूट थ्री वाले जितने भी होंगे वो सभी देख लेंगे. तो एक ये है थ्री रूट थ्री, दूसरा है माइनस का रूट थ्री, और थर्ड वन क्या है प्लस फाइव रूट थ्री. और तो कोई नहीं है रूट थ्री में. नहीं सर. अब इनमें जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है वो कर देंगे अपन. तो देखो थ्री रूट थ्री किसका है, प्लस का है, माइनस रूट थ्री. तो थ्री रूट थ्री में से माइनस रूट थ्री कर देंगे, मतलब वन एक रूट थ्री माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा सर? टू रूट थ्री बचेगा. थ्री रूट थ्री में से रूट थ्री माइनस कर देंगे, मतलब एक रूट थ्री माइनस हो रहा है, तो टू रूट थ्री बचा. तो यहाँ तक आ गए. टू रूट थ्री प्लस फाइव रूट थ्री क्या है, प्लस का साइन है. तो टू प्लस फाइव रूट थ्री कितना हो जाएगा? सेवन रूट थ्री. सेवन रूट थ्री हो जाएगा, नहीं होगा. टू प्लस फाइव सेवन हो गए, वो भी किसका, माइनस का प्लस का, प्लस का होगा, ये भी प्लस का था. माइनस का क्यों होगा बेटा? ये देखो थ्री रूट थ्री प्लस का था अपने पास, इसमें से एक माइनस रूट थ्री माइनस किया, तो यहाँ पर हमारे पास प्लस का ही तो टू रूट थ्री बचा. यस सर. हाँ प्लस का टू रूट थ्री था और प्लस का ही फाइव रूट थ्री है, तो प्लस का ही तो होगा सेवन रूट थ्री. यस सर. क्लियर है अहमद? यस सर. तो हमारा आंसर क्या हुआ, एट रूट इलेवन प्लस सेवन रूट थ्री, और आप दोनों के आंसर गलत थे. अब कोई डाउट बचा इसमें? नो सर.